फिल्मी दुनिया में ढेरों ऐसे एक्टर्स हुए हैं जिनके होने से किसी भी फिल्म का न सिर्फ वजन बढ़ जाता है बल्कि उनके होने मात्र से उस फिल्म में एक ताजगी सी आ जाती है। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली। ऐसे ढेरों एक्टर्स हैं जिनका चेहरा पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरे पर एक मुस्कान सी खिल जाती है। बेकार में एनकाउंटर में मरवा डालोगे तुम। दोस्ती में कुछ पूछ सकता हूँ? दोस्ती? और मन तरोताजा हो जाता है। उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं सतीश शाह, बेहद मस्त मौला और हर दिल अजीज एक्टर सतीश शाह, जिनके एक्टिंग का अपना ही एक अंदाज है। आज के वीडियो में हम सतीश शाह जी के फिल्मी सफर और उनसे जुड़े कुछ मजेदार किस्सों पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। मेरी नसबंदी कर दी आप लोगों ने, क्यों, किसने कहा था? क्या मैं कभी पाप नहीं बच सकता? वो क्या है राना, वो हम लोग उधर गए थे फ्लैट को खाली कराने को, उन लोग ने कुछ भाड़े के गुंडे बिठा रखे थे। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। सतीश जी का पूरा नाम सतीश रविलाल शाह है। सतीश जी के परिवार की जड़ें गुजरात के मांडवी से जुड़ी हैं, जो कच्छ में स्थित है। सतीश स्कूल कॉलेज के दौरान एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे। सतीश अक्सर अपने इंटरव्यू में बड़े ही मजाकिया लहजे में कहते हैं कि उस दौरान पढ़ाई को लेकर उनका ये मानना था कि अगर 45% मार्क्स से काम चल जाते हैं तो 75% के लिए मेहनत क्यों की जाए। दोस्तों, स्पोर्ट्समैन सतीश जी का अभिनय के क्षेत्र में आने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान एक बार वहां होने वाले हिंदी नाटक में एक ऐसे एक्टर की जरूरत पड़ गई जिसकी हिंदी अच्छी हो। सतीश जी की हिंदी बाकी सभी स्टूडेंट्स से काफी अच्छी थी, तो सब ने उनका नाम प्रस्तावित कर दिया। सतीश जी ने काफी मना किया लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और उन्हें अभिनय करना ही पड़ा। सतीश बताते हैं कि उस नाटक में अभिनय के लिए लोगों ने उन्हें तरह तरह के टिप्स दिए। किसी ने कहा दर्शकों को देखते हुए एक्टिंग करना, तो किसी ने कहा ऊपर देखते हुए। सतीश को ऊपर देखते हुए एक्टिंग करना ज्यादा आसान लगा और इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। इस नाटक के लिए उन्हें खूब वाहवाही भी मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि सतीश का ध्यान स्पोर्ट्स से हटकर पूरी तरह से एक्टिंग की तरफ चला गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब एक्टिंग को ही सही तरीके से सीख कर इसी क्षेत्र में करियर बनाना है। पढ़ाई पूरी कर उन्होंने FTII में प्रवेश ले लिया। 2 वर्षों तक अभिनय सीखने के बाद उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान उन्होंने कुछ फिल्में भी की। साथ ही उन्हें वर्ष 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक ये जो है जिंदगी से टेलीविजन पर अभिनय करने का मौका मिला। कुंदन शाह जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत पसंद किया गया और धारावाहिकों के साथ साथ उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे और सतीश फिल्मों के एक व्यस्त कलाकार बन गए। हालांकि सतीश बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे। फिल्मी चक्कर, घर जमाई और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसी ढेरों कामयाब धारावाहिकों में सतीश शाह अपने अभिनय से हमें गुदगुदाते रहे। सतीश बाद में वर्ष 2007 में कॉमेडी सर्कस में बतौर जज भी नजर आए। सतीश शाह ने अपने एक्टिंग करियर में ढेरों फिल्मों में काम किया है। मैं जवान हूँ, वो जवान थी, जवानी दीवानी हो गई। सतीश जी की असली पहचान भी एक फिल्म अभिनेता के तौर पर ही है। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में शानदार किरदारों को अपने अभिनय से जीवंत किया है। आलम तो ये था कि 80s-90s के दौर की हर बेहतरीन फिल्मों में सतीश जी का फिल्मों में एक बेहतरीन रोल होना जरूरी होता था। वैसे तो सतीश जी ने फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत वर्ष 1970 में रिलीज फिल्म भगवान परशुराम से ही कर ली थी, लेकिन असल मायने में उनकी पहचान बनी कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों से। वर्ष 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके अभिनय को लोगों ने बहुत सराहा, न सिर्फ दर्शकों ने बल्कि बॉलीवुड ने भी। इस फिल्म की कामयाबी और उसके अगले साल ही प्रसारित हुए धारावाहिक ये जो है जिंदगी की सफलता के बाद सतीश जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, सतीश शाह ने अपने करियर में इतनी फिल्मों में काम किया है कि सबके नाम ले पाना नामुमकिन है। फिर भी कुछ फिल्मों के नाम हम जरूर लेंगे ताकि आपको वो शानदार फिल्में और सतीश जी के अभिनय की याद आ जाए। हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, और मैं हूं ना जैसी, ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनमें वे जिंदा दिल और कभी ना भूल पाने वाले किरदारों में नजर आए। हालांकि सतीश जी ने बीच बीच में कुछ नकारात्मक भूमिकाओं में भी हाथ आजमाए। वो क्या है राना, हम लोग उधर गए थे फ्लैट को खाली कराने को, तो ऐसे ही गए थे, कुछ तैयारी नहीं थी, हथियार कुछ नहीं था, लेकिन दर्शकों ने उन्हें हमेशा मजा किया और जिंदा दिल भूमिकाओं में ही पसंद किया। 70 के दशक के आखिर से लेकर अब तक सक्रिय सतीश जी ने हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किए हैं। विभिन्न पुरस्कारों सहित वर्ष 2005 में सतीश शाह को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड मिला और वर्ष 2006 में सतीश शाह को बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड मिला। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सतीश जी
जी के पारिवारिक जीवन पर। सतीश जी की पत्नी का नाम है मधु शाह। मधु जी से उनका प्रेम विवाह है और उनकी प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सतीश बताते हैं कि मधु जी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। सतीश और मधु की पहली मुलाकात एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई थी, जहां सतीश पहली नजर में ही मधु पर इस कदर फिदा हो गए कि उसी दिन उन्होंने मधु को प्रपोज भी कर दिया। लेकिन अचानक मिले उस प्रपोजल को मधु ने तुरंत ही इनकार कर दिया, जो कि स्वाभाविक ही था। सतीश का तो जैसे दिल ही टूट गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। उन्होंने भी ठान लिया कि वह शादी करेंगे तो मधु से ही, चाहे जो हो जाए। इसे इत्तेफाक कहें या सतीश की खुशकिस्मती कि सतीश की एक फिल्म साथ निभाना साथिया की शूटिंग उसी कॉलेज में होनी थी जहां मधु पढ़ती थी। उस कॉलेज का नाम था SNDT कॉलेज, जहां शूटिंग के समय मधु भी मौजूद थी। सतीश ने सोचा यही मौका है, इम्प्रेशन भी बढ़िया पड़ गया है, क्यों ना फिर से किस्मत आजमाई जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन अफसोस कि इस बार भी मधु ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। खैर, जुनून के पक्के सतीश शाह हार मानने वालों में से तो थे नहीं। कुछ ही दिनों बाद मौका मिलते ही उन्होंने तीसरी बार अपने दिल की बात रख दी। अब मधु को भी लगने लगा कि सतीश आम लड़कों की तरह नहीं है और उनके प्यार में दम है। इस बार मधु ने सतीश से कहा, ठीक है, लेकिन वे इस प्रपोजल को तभी स्वीकार करेंगी जब उनकी फैमिली इसके लिए राजी होगी। सतीश ने भी देरी नहीं की और उनके फैमिली तक अपनी बात पहुंचा दी। थोड़ी हां ना होकर अंततः सब मान गए और वर्ष 1972 में सतीश और मधु जी वैवाहिक बंधन में बंध गए। सतीश कहते हैं कि मधु उनके लिए बहुत लकी हैं, क्योंकि मधु के आने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मधु से शादी होते ही उन्हें खुशियां, दौलत और शांति सब मिल गई। सतीश शाह के एक बेटे हैं जिनका नाम है राजवीर कुमार और पिता की तरह वो भी एक अभिनेता हैं। सतीश जी के एक भाई हैं जिनका नाम है नटवर शाह और उनकी एक बहन है जिनका नाम माधुरी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारा टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारा टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।